बताओ रदरफोर्ड का क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ क्या होता है। जब इसका कराया था अभी हम लोग, ये एटम था, इसके अंदर क्या था, ये पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे तुम अल्फा रे को भेजे थे, तो ये अल्फा रे किस नेचर का था, अल्फा पार्टिकल किस नेचर का था। तो जब ये अल्फा पार्टिकल गया होगा इस प्लस की तरफ, इस न्यूक्लियस की तरफ, तो इससे जाके छिपा गया होगा कि रुक गया होगा, एक पॉइंट में जाके रुक जाएगा, फिर वहां से ये क्या करेगा, रिवर्स होगा। अब भाई क्या बोले थे, कितने एंगल पे आ रहा है वो, 180 डिग्री पे। तो जब अल्फा पार्टिकल जाके यहाँ पे रिवर्स मारा होगा, तो एक सबसे नजदीक पॉइंट होगा जहां तक तो वो जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे लोग, क्लोजेस्ट। तो जहां तक वो न्यूक्लियस के जितना नजदीक जा सकता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जहां तक अल्फा पार्टिकल किसको अप्रोच कर जाएगा, किसको अप्रोच करेगा, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के जितना ये क्लोज जा सकता है, उसके लोग क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। वही निकालना है कितना जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वही डिराइव करेंगे हम लोग, डेरिवेशन है ये। तो देखो ये हमने क्या बना लिया, मान लो ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, इसको क्या मान लें हम लोग, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर। तो ये बताओ अगर किसी भी एलिमेंट का, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, जेड हो गया। तो जेड का मतलब उतना ही क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होगा, ताकि इसकी न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अगर बताओ अगर इस एलिमेंट का मामला एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा, जेड, तो कितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, जेड प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर कितने हैं। अब पी को किससे रिप्लेस कर दोगे, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जेड ई करो। नहीं समझ आया, क्या आया बताना फिर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कितनी है, जेड है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। तो कितना प्रोटॉन होगा, पहली बात तो संख्या कितने में होगी, जेड में। अब प्रोटॉन को किससे लिख सकते हो, वो अलग बात, इसका नेचर कैसा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड ई, कितने होंगे। और यहां से तुम अल्फा स्कैटरिंग अगर किए होगे, तो इधर से कौन आ रहा होगा, इधर से कौन आ रहा होगा, कौन आ रहा होगा, यहां से अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, तो अल्फा पार्टिकल का नेचर भी पहले से क्या डिसाइडेड है, पॉजिटिव। और जब ये आएगा, तो ये मान लिया क्लोजेस्ट अप्रोच है, अब इससे ज्यादा इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस का सेंटर हो गया, तो सेंटर से इसकी कुछ क्या होगी, दूरी होगी, वही कितना होगा, आर नॉट। इसी आर नॉट को क्या बोलेंगे लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे नजदीक जा सकता है कितने दूरी पे, आर नॉट। आर नॉट से क्या ज्यादा एंटर कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर है, ये भी कैसा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन के अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता तो इसको चिपका लेता अपने पास, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर रिपल्शन होगा, तो एक टाइम के बाद इसको वापस होना पड़ेगा। तो जो दूरी से वापस हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे देखो हमको फाइंड आउट करना क्या चीज, बटा जी नीलंदर कैसे निकालो, किस कॉन्सेप्ट का यूज करके आर नॉट निकालेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, जब यहाँ पे गया होगा ये, तो जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, जीरो। तो यहाँ पे इसकी ये वाली आने वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। और जब यहाँ पे ये जब वापस आना शुरू होगा, तो इसके अंदर वापस क्या आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आएगा, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लिखे यहाँ पे, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किससे दिखाएंगे हम लोग, यू से, कितना होता है, और लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग, याद करो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ, डब्ल्यू कहाँ आ गया यहाँ पे, यू कितना होता था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, की आर, आर बस क्या था, आर स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, वो फोर्स नहीं बन जाएगा, कूलम फोर्स, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो इसका निकालो, इस सिस्टम का निकालो, फॉर दिस गिवन सिस्टम, इस सिस्टम के लिए कितना होगा, इस सिस्टम के लिए यू कितना होगा, तो यू बराबर के हो गया, के के लिए कितनी होती है, वन बाई वन अपॉन के लिए वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितना था इंग्लैंड इसका, के का, देखो के का न्यूमेरिकल कितना होगा, हाँ 9.9 × 10^9। अब देखो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा इसके अंदर कितने होंगे, देखो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे,
जेड तो इसके अंदर है ना, इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, जेड ई कितना है, और कैसा है ये पॉजिटिव का है, प्रोटॉन है ये। अल्फा पार्टिकल के अंदर कितना चार्ज होगा, क्या दो, दो इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल अभी को क्या बताए हैं, अल्फा पार्टिकल बिहेव करता है जा हीलियम पार्टिकल, इसकी प्रॉपर्टी किसके ऐसे होती है, तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना था हीलियम का, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, यानी कि इधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से पहले कितना है, ये टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों, कि नेचर कैसा है अल्फा पार्टिकल का, इसलिए कितना होगा ये, तो इलेक्ट्रॉन देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहे, यहाँ पे बता रहे कि कितने प्रोटॉन होंगे इन कंपैरिजन टू विद हेल्प ऑफ, क्योंकि ई बराबर कितना होता है पी होता है, जैसे यहाँ पे भी क्या था प्रोटॉन था, हम लोग पी नहीं लिखे हैं, क्या लिखे यहाँ पे, ई इसलिए लिखे हो क्योंकि ई और पी की संख्या क्या होती है आपस में बराबर होती है, तो पी ना लिखे क्या लिख दिया वहां पे, लेकिन नेचर कैसा होगा ये हमारा बताएगा कि प्रोटॉन है कि नहीं, तो यहाँ भी नेचर क्या है, यानी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, अब बताओ तो के कितना होगा, कितना लिखे, कितना लिखे, टू ई पहले क्या हो गया इन टू क्यू वन क्यू टू जेड ई अपॉन कितना दूर पे आया ये इक्वेशन नंबर, ठीक है ये इसको रखो और हम लिखे यहां पे फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पे किसके मास लिखी जाएगी, किसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास, ये कौन मूव करते हुए आ रहा है, ये कौन मूव करते हुए जाएगा, अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, तो पोटेंशियल होगा भाई क्या बन जाएगा, तो जानते हो अगर काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अब पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, वही बात हुआ, तो यू बराबर क्या होगा, जितना चेंज यू में होगा उतना ही चेंज के में होगा, तो हम लोग चेंज भी लिख सकते हैं यहाँ पे और चेंज नहीं भी लिख सकते, इनिशियल को हम लोग जीरो मान के लिखे या फाइनल को जीरो मान के लिखे, तो चेंज अपना कितना होगा, यू बराबर यू कितना है, तो इक्वेशन नंबर टू बोल दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन, इक्वेट वन एंड इक्वेट कर, कितना आ जाएगा, ये हो गया के टू इंटू जेड, टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, ये के काइनेटिक एनर्जी है, ये के क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये, या कूलम्स, कितना हुआ ये आर नॉट निकाल दो कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो मतलब के था, ये टू इंटू टू कितना हो गया फोर हो गया, जेड ई स्क्वायर एम वी कहाँ जाएगा, एम वी स्क्वायर, ये तुम्हारा किसकी वैल्यू होगी, ये इस क्या निकालोगे, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसकी वैल्यू कितनी होगी, के फोर जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, के की वैल्यू जानते हो कितना होता है, के की वैल्यू जानते हो कितना होगा, नाइन इंटू टेन की पावर माइनस आएंगे नाइन, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा ये, ये तुम्हारा के हो गया, अब बाकी तुम्हारा ये फोर जेड पता रहेगा, जेड पता रहेगा, भाई गोल्ड फॉल लेके आए हो तो गोल्ड फॉल का एटॉमिक नंबर कुछ होगा, यानी गोल्ड का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, वो किसका हो जाएगा, जेड की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू जानते हो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जानोगे और क्या जानोगे, अब ये तो तुम्हारे हाथ में ना, कितने सस्लेट करा रहे हो, किसके हाथ में है ये भी, किसके हाथ में है जी भी, इसको कौन एक्सलेट करवा रहा है, हम लोग करवा रहे हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहां से, तो क्लोजेस्ट अपॉन निकल जाएगा, ठीक है ये बताओ कर लो, ये बोर्ड में आया हुआ डेरिवेशन है, इसे न्यूमेरिकल पूछेगा, बोर्ड में डेरिवेशन भी आएगा न्यूमेरिकल भी आएगा, आसान है ये, हलवा है ठीक ठाक है, बस जो दिमाग लगाना यही लगाना है कि जेडी क्यों ले रहे हैं और यहाँ पे प्लस टू, तो अल्फा पार्टिकल है तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, अल्फा पार्टिकल कितने प्रोटॉन्स, उतने ही, इसलिए प्लस क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोटॉन के बारे में लिखा जा रहा है लेकिन ध्यान देना किसके फॉर्म में, इन द टर्म्स ऑफ, यही गलती तुम लोग करोगे, यही कंफ्यूज होगे, ये किताब में दिया रहेगा, तुम सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन है, ई क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी संख्या ई की होती है उतनी संख्या पी की भी होती है, क्योंकि जेड बराबर ई बराबर, छापो इसको,